हाफिज और उलमाए कराम में 20 निकात पर इत्तफाक हो गया है। मस्जिद के अहाते में नमाज तरावी का अहतमाम किया जाएगा। नमाजी वजू घर से करके आएंगे। सफ बनाते हुए दो नमाजियों की जगह छोड़ी जाएगी। मस्जिद और इमाम बारगाहों में दरियां और कालीन नहीं बिछाए जाएंगे। फर्श और चटाइयों पर क्लोरीन के महलूल का छिड़काव किया जाएगा। सूबाई हुकूमतें, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन सब के सब जगहों से जो गुफ्तगू हुई उसके बाद एक मुश्तरका ऐलामिया तैयार किया गया है। जिन चीज़ों का फैसला हुआ है ये बिल्कुल इत्तेफाक राय के साथ हुआ है। मस्जिद के अहाते के अंदर नमाज तरावी का अहतमाम किया जाए। वजू घर से करके मस्जिद तशरीफ लाएं। हाथ साबुन से 20 सेकेंड जरूर धोकर आएं। मस्जिद में सफबंदी का एहतमाम और इमाम बारगाह में सफबंदी का एहतमाम इस अंदाज से किया जाए कि नमाजियों के दरमियान 6 फुट का फासला हो। मसाजिद और इमाम बारगाहों में कालीन या दरियां नहीं बिछाई जाएंगी। मस्जिद के फर्श को साफ रखने के लिए और करने के लिए पानी में क्लोरीन का महलूल बनाकर उस पानी से धोया जाए मस्जिद के फर्श को।